कमाल का प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कमाल की नदी गंगा नदी है और जो सरकार में रहता है उसको पवित्र करते रहती है, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देश का सबसे बड़ा विधानसभा से मैं योगी जी का वो शपथ याद दिलाने जा रहा हूँ जिसमें उन्होंने कहा था कि हर किसी चीज से समझौता किया जा सकता है लेकिन क्राइम और करप्शन से कभी समझौता नहीं किया जा सकता। एक मंत्री है, नाम है राकेश सच्चान, जिनका 72 प्लॉट जो गंगा जी थोड़ा सा आशीर्वाद दिखाई है और राकेश सच्चान के ऊपर भी कार्रवाई कराइए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा, 72 प्लॉट आवंटित करने वाले सारे अधिकारियों पे गाज गिरने वाला है। आनन फानन में उद्योग विभाग जो है एक बैठक करता है और ये निर्णय करता है कि जितना भी प्लॉट है वो सारा का सारा प्लॉट जो है वो रद्द होगा। कमाल की बात यह है कि अगस्त 2022 में कानपुर की अदालत ने 1991 के एक केस में आर्म्स एक्ट में जब राकेश सच्चान को दोषी साबित किया तो राकेश सच्चान जी अदालत का आदेश लेके फाड़ के भाग गए थे। चौबीस को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में आज ऐतिहासिक बजट पेश हुआ है। लगभग 6,90,000 करोड़ का ये बजट है, उम्मीद है इससे उत्तर प्रदेश का विकास होगा। साथ ही साथ गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बीचों बीच बहती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए इस सरकार में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर गंगा जी अपने आप आशीर्वाद बरसाते रहती हैं। एक मंत्री है, नाम है राकेश सच्चान, जिनका 72 प्लॉट जो है पिछले 10-12 सालों से इंडस्ट्रियल एरिया में ऐसे ही लेके रखा हुआ था। 10% जो अमाउंट देना था उन्होंने वो भी नहीं दिया, जिस कारण से उनका 72 प्लॉट सुने हैं कि 2 दिन पहले रद्द हो गया। कमाल की बात यह है कि 72 प्लॉट आवंटित करने वाले सारे अधिकारियों पे गाज गिरने वाला है, जो अधिकारी जो है रिटायर्ड हो गए हैं उनके ऊपर भी गाज गिरने वाला है, लेकिन जो एमएसएमई के मंत्री हैं राकेश सच्चान जी उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होगा। कमाल का प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कमाल की नदी गंगा नदी है और जो सरकार में रहता है उसको पवित्र करते रहती है, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। राकेश सच्चान जी जब 72 प्लॉट अलॉट कराए थे उस समय इस सदन में जो है अखिलेश यादव जी की सरकार थी। अब सोचने वाली बात यह है कि मंत्री कहीं भी रहेंगे मलाई खाएंगे, जनता को मलाई खाने का कोई अधिकार नहीं है और जो अधिकारी मंत्री के फेर में फंस के जो है काम करेंगे वो जब गाज गिरेगा तो अधिकारी सस्पेंड होंगे। 13 साल पहले की घटना है और आज जो है इस घटने का उजागर हुआ है और कहा जा रहा है कि जितने भी अधिकारी संलिप्त हैं 72 प्लॉट अलॉट करने में वो सारे के सारे अधिकारी सस्पेंड होंगे। 6,90,000 करोड़ के जगह पे 10 गुना ज़्यादा का बजट पेश कर दिया जाए, लेकिन अगर मंत्री लोग उसमें दिमक लगाना शुरू कर देंगे तो फिर उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होगा। सोचने वाली बात यह है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे 32 लाख करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट हुआ है और उस 32 लाख करोड़ से पूरे उत्तर प्रदेश का कायाकल्प हो सकता है, लेकिन अगर 72 प्लॉट एक एक मंत्री अपने नाम पर रजिस्ट्रेशन करा के रखेंगे तो कहां से कायाकल्प होगा। अगर अधिकारी दोषी है तो अधिकारियों पे कार्रवाई हो रहा है। फतेहपुर के वो उस समय सांसद थे, वर्तमान समय में विधायक और इसी विधानसभा में बैठे हुए हैं अभी के समय में और बजट पेश हो गया है। गंगा जी थोड़ा सा आशीर्वाद दिखाइए और राकेश सच्चान के ऊपर भी कार्रवाई कराइए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा, गलत कोई भी हो, समाजवादी पार्टी के समय में जो है वो 72 प्लॉट अलॉट हुआ था उस समय के भी लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वर्तमान समय में है वो कार्रवाई करे ईमानदारी पूर्वक राकेश सच्चान जी के ऊपर, जिन्होंने 72 प्लॉट जो है वो अवैध तरीके से गलत तरीके से जो है अपने 2 NGO के नाम पर रजिस्ट्रेशन करा के रखा था। देश का सबसे बड़ा विधानसभा से मैं योगी जी का वो शपथ याद दिलाने जा रहा हूँ जिसमें उन्होंने कहा था कि हर किसी चीज़ से समझौता किया जा सकता है लेकिन क्राइम और करप्शन से कभी समझौता नहीं किया जा सकता है। तो ये क्राइम भी है और ये करप्शन भी है और क्राइम और करप्शन करने वाला कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ही एक मंत्री है जो समाजवादी पार्टी में पहले थे, उसके बाद से कांग्रेस में और अभी भारतीय जनता पार्टी में एमएसएमई के मंत्री के अलावा जो है और भी मंत्रालय
को संभाल रहा है। उम्मीद है कि योगी जी को वो चीजें याद आएगा जिस बात को जो है उन्होंने शपथ लेते हुए कहा था कि क्राइम और करप्शन से कोई समझौता नहीं होगा। तो राकेश सचान जी ने जो क्राइम और करप्शन किया है उनके ऊपर योगी जी का बुलडोजर चलेगा, जैसे बुलडोजर जो है ध्वस्त करते जा रहा अपराधियों का घर, बाहुबलियों का घर, वैसे ही क्राइम करने वाला, करप्शन करने वाला एक मंत्री का भी घर ध्वस्त करेगा। आनन फानन में उद्योग विभाग जो है एक बैठक करता है और ये निर्णय करता है कि जितना भी प्लॉट है वो सारा का सारा प्लॉट जो है वो रद्द होगा। पिछले साल उपायुक्त उद्योग जो थे उनके ऊपर आयकर का छापा पड़ा हुआ है और उनके ऊपर भी सुनने में आ रहा है कार्रवाई होगा। जो रिटायर्ड कर्मचारी उद्योग विभाग के हो गए हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगा। कमाल की बात यह है कि अगस्त 2022 में कानपुर की अदालत ने 1991 के एक केस में, आर्म्स एक्ट में, जब राकेश सचान को दोषी साबित किया तो राकेश सचान जी अदालत का आदेश लेके फार के भाग गए थे और ये जानकारी जो है इंटरनेट पे मौजूद है। राकेश सचान जी के पास फिलहाल रेशम उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग, खादी ग्राम उद्योग और एमएसएमई विभाग है। इतने सारे विभाग अगर एक मंत्री के पास रहेगा और वो मंत्री अपने नाम पे 72 प्लॉट अलॉट कराएगा तो क्या उत्तर प्रदेश का विकास होगा? और वो भी अवैध तरीके से, गलत तरीके से। ये प्लॉट जो है 2012 में आवंटित किया गया जिसमें से 40 प्लॉट एक जगह पे और 32 प्लॉट एक जगह पे आवंटित किया गया था। बस विनती है कि दोषी चाहे किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, कार्रवाई ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। अगर राकेश सचान के जगह पे जो भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान नेता हैं उसके पहले जो है वो कांग्रेस के नेता थे और उसके पहले समाजवादी पार्टी के नेता थे, यानी तीन पार्टियों को बदलते हुए भारतीय जनता पार्टी में गंगा की डुबकी लगा रहे हैं, अगर वही नेता दूसरे पार्टी के नेता होते तो क्या उनके ऊपर ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का रेड होता कि नहीं होता? अगर उनके ऊपर होता तो इनके ऊपर भी होना चाहिए। और जो सत्ता में बैठे मलाईदार पद पे मंत्री लोग हैं उनके अंदर भी ये खौफ होना चाहिए कि गलती करेंगे तो हमारे ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है। इसीलिए राकेश सचान जो 72 प्लॉट अवैध तरीके से अलॉट करा के रखे हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। बाकी उत्तर प्रदेश का जो 6,90,000 करोड़ का बजट है उससे उत्तर प्रदेश का किस प्रकार से विकास होगा, उत्तर प्रदेश के सरकार के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, राकेश सचान जो 72 प्लॉट अलॉट कराए हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।